दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे नेट बॉलर्स की और नेट बॉलर्स के वीजा समय पर ना होने की वजह से उनकी सेवाएं भारतीय टीम को नहीं मिल पाएंगी। जी हम बात कर रहे हैं उमरान मलिक की, हम बात कर रहे हैं कुलदीप सेन की। दो ऐसे खिलाड़ी जो स्पीडस्टर माने जाते हैं, जेन्युइन स्पीडस्टर माने जाते हैं, और कुलदीप सेन ने तो राजस्थान रॉयल्स की ओर से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नियमित तौर पर गेंदबाजी की है और प्रभावित भी किया, 7-8 विकेट भी उन्होंने चटकाए। और वहीं उमरान मलिक तो सभी भारतीय खिलाड़ियों में, आईपीएल की अगर हम बात करें तो यजुवेंद्र चहल के बाद भारतीय खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पर थे सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में। तो इस तरह से उमरान मलिक भी नहीं जा पाएंगे, उनका तो चयन अब कर लिया गया है, उनका तो जम्मू कश्मीर की टीम से सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए, तो अब वहां पर अब ले देकर जो बचते हैं चेतन सकारिया हैं, मुकेश चौधरी हैं, ये पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, इनका वीजा तैयार हो गया था तो ये दोनों चले गए। लेकिन ये दो खिलाड़ी वीजा में विलंब की वजह से, देरी की वजह से नहीं जा पाएंगे ऑस्ट्रेलिया। और हम आपको यहाँ ये भी बता दें क्योंकि बीसीसीआई ने अब तय किया है, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों की इंजरी लिस्ट बढ़ती जा रही है, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह और बुमराह के बाद दीपक चाहर जो स्टैंड बाई में थे अब वो नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में जो है सिनेरियो ये बनता है कि जो तीन खिलाड़ी हैं, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर, इन तीन खिलाड़ियों को जो है इनके वीज़ा तैयार किए जा रहे हैं और इनको भेजा जाएगा बीसीसीआई की ओर से। यानी अब उमरान मलिक और कुलदीप सेन का पत्ता पूरी तरह से कट गया है। हालांकि 17 तारीख थी और उसमें कुछ और नेट बॉलर्स अभी भेजे जाने हैं, तो उन पर अभी काम चल रहा है। तो हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि जो आईसीसी की गाइडलाइंस हैं उसमें बहुत ही साफ तौर पर कहा गया है कि जो स्टैंड बाई की लिस्ट है उनको पहले प्राथमिकता मिलेगी, यानी टीम जो चुनी गई है उसमें उनके बाद अगर कोई किसी खिलाड़ी को अगर कोई अवसर दिया जाता है या वीजा का मामला आता है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन नेट बॉलर्स का मामला जो है उसके बाद है, 17 अक्टूबर से ही सब प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अभी तक वीजा ना मिलने की वजह से बिल्कुल अब ये तय हो गया है कि दोनों खिलाड़ी वहां नहीं जा पाएंगे। पर्थ में 5 अक्टूबर को टीम रवाना हुई थी और अब जाहिर सी बात है कि अब ये एक झटका समझ लीजिए। लेकिन अब क्योंकि शमी, सिराज और शार्दुल ठाकुर वहां पहुंच जाएंगे तो स्थिति पर काफी हद तक कंट्रोल में रहेगी। तो इस तरह से बीसीसीआई ने अब एक तरह से पल्ला झाड़ लिया है उमरान मलिक और कुलदीप सेन के मामले में। याद आपको एक बार फिर से हम दिला दें, कुलदीप सेन ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी की थी आईपीएल में, और वहीं उमरान मलिक ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वो बहुत बड़े एसेट साबित हुए थे और पूरी दुनिया ने उनकी रफ्तार का लोहा माना था। लेकिन अब फिलहाल उनकी सेवाएं भारतीय टीम को इस वर्ल्ड कप के लिए बतौर नेट बॉलर नहीं मिल पाएंगी। तो कितना बड़ा झटका मानते हैं आप इसको, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।